डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 26 सितंबर 2019 और हमारी एपिसोड संख्या है 425। ये 425वां एपिसोड है जो आपके लिए किया जा रहा है। ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइब बटन जो इस तरह का आपको नजर आता है, बेल आइकन जो आपको नजर आता है उसके ऊपर आप क्लिक करें। रोज सुबह करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है 4 बजे मैं आपके लिए रोज सवेरे 4 बजे अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ, इसे आप जरूर देखें। ये प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस हैं। प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड जो है 2019, इससे किसको सम्मानित किया गया है, ये प्रश्न है। और इसे सम्मानित किया गया है रवीश कुमार को, ये राइट आंसर है जो अधिकतर लोगों ने सही दिया है। दूसरा प्रश्न है कि फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार को किसने जीता है, इसको जीता है लियोनेल मेसी ने। दोनों प्रश्नों के उत्तर आप में से अधिकतर लोगों ने बहुत बढ़िया दिए हैं, वेरी गुड। जो लोग रेगुलरली आंसर कर रहे हैं, वीडियो के दौरान भी जो मैं प्रश्न पूछती हूँ काफी लोग जो है उनके उसका सही आंसर करते हैं, उससे वीडियो भी जो है आपकी रिवाइज हो जाती है। चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले प्रश्न के लिए उत्तर है हमारा अमिताभ बच्चन। आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर जो है हमारा यहाँ पर डी है, अमिताभ बच्चन को नामित किया गया है। ये अभिनेता है अमिताभ बच्चन और इनको फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन को पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए, मनोरंजन के लिए, ओके, इनको सर्वसम्मति से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसको फिल्मों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए कैश प्राइज, ओके, नगद कितना दिया जाता है, नगद जो है इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये हमारा प्रश्न एक है। यहाँ पर आप देखिए आपको विनोद खन्ना का भी नाम नजर आ रहा है। विनोद खन्ना जो है ये दिवंगत अभिनेता और पॉलिटिशियन भी थे। इनको मरणोपरांत यानी कि इनकी मृत्यु के बाद साल 2017 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आपको अमिताभ बच्चन की तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए अमिताभ बच्चन, ओके। साथ ही साथ आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं कि हाल ही में महेश बाबू ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण में जो दिया जाता है वो जीता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दक्षिण भारत के लिए ये पहला वर्ष था। अवार्ड शो हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ये थी सारी जानकारी और थोड़ी अतिरिक्त जानकारी। आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा बन गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर यहाँ पर है हमारा जम्मू और कश्मीर, आंसर जो है वो बी होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू और कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। जम्मू और कश्मीर ने बड़े पैमाने पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाया है। योजना शुरू होने के 90 दिनों के भीतर ही इसके तहत 11 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही है। अब क्योंकि हमने बात की है जम्मू एंड कश्मीर की, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको बाइफरकेट किया गया है, जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ये जो 2 UTs बनेंगी ये कब से इफेक्टिव हो जाएंगी, यानी कि कितनी तारीख से ये सेपरेशन जो है ये लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस 2019 के लिए मेजबान देश किसे चुना गया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको बताना है कि मेजबान देश किसे चुना गया है, तो आंसर यहां पर हमारा है इंडिया, भारत हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी, भारत, भारत राइट आंसर है। विश्व पर्यटन दिवस इसको हर साल मनाया जाता है, डेट आपको बता रही हूं, ये 27 सितंबर को इसको मनाया जाता है, ओके, नंबर 1। दूसरा है UNWTO के नेतृत्व में भारत को विश्व पर्यटन दिवस 2019 मनाने के लिए मेजबान देश के रूप में चुना गया है।
इसका उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। 2019 में थीम पर्यटन और नौकरियां, सभी के लिए एक बेहतर भविष्य, ये जो है ये थीम है। ये थी जानकारी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, भारत को चुना गया है। अब मैं आपको थोड़ा और रिवीजन भी करा देती हूँ कि 26 सितंबर जो है, ठीक है, 26 सितंबर जो है उसको हम यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, यूरोपीय भाषा दिवस। अब मैं आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया यूरोपीय भाषा दिवस कब मनाई जाती है, 26 सितंबर को। हाल ही में हमने मनाया हिंदी दिवस, हाल ही में सितंबर के महीने में ही हमने मनाया हिंदी दिवस। आप मुझे बताएं कि हिंदी दिवस जो है ये कौन सी तारीख को मनाया गया। आगे चलते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2019 के लिए मेजबान देश कौन है, इंडिया। ये यहाँ पर तस्वीर देखो, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2019, टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ये जो है ये इसकी थीम है। जब भी हम दिनों के बारे में बात करें आप तिथि याद रखेंगे, साथ ही साथ जो है आप याद रखेंगे थीम। फिर आपसे पूछा गया है पोनुंग डोमिंग, पोनुंग डोमिंग किस राज्य की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल बनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये नाम है, एक महिला का नाम है पोनुंग डोमिंग, ये जो है ये किस राज्य की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल बनी है। आंसर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सी जो है हमारा राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के सेना अधिकारी हैं पोनुंग डोमिंग। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट होने वाली यह राज्य की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। डोमिंग को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मेजर के पद पर जो है पद से उन्हें पदोन्नत किया गया है। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए ये इनकी तस्वीर है, तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल। ओके, थोड़े से मैं आपको रिविजन क्वेश्चन भी करा देती हूँ यहाँ पर। जो विंग कमांडर है शैलजा धामी, वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी जो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनी। ओके, और अनुप्रिया लाकड़ा ये ओडिशा के माओवाद प्रभावित क्षेत्र से पहली आदिवासी महिला हैं जो पायलट बनी। ठीक है, ये थे हमारे दो रिवीजन क्वेश्चन। जब रिवीजन क्वेश्चन कराती हूँ आप देखिए कि क्या आप मेरे साथ साथ याद कर पा रहे हैं, रिवाइज कर पा रहे हैं। अब कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि भारत का दूसरा डाकघर जिसको पूरी तरह से महिलाएं चलाएंगी वो खोला गया है। आप मुझे बताएं कि ये जो दूसरा डाकघर है ये कहाँ खोला गया है, आप मुझे उस जगह का स्थान बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि जो पहला डाकघर था जिसको पूरी तरह से महिलाओं को चलाना था वो भी कहाँ खोला गया था। चलिए, हमने यहाँ पर बात की अरुणाचल प्रदेश की, तो देखो अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर राजधानी ईटानगर है, गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा, चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू, राज्यसभा में एक सीट, लोकसभा में दो। यहाँ पर रनगनाड़ी बांध और फोक डांस है यहाँ पर बारदो चाम। आगे चलते हैं, छठे भारत जल सप्ताह की थीम क्या है, छठे भारत जल सप्ताह की थीम क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर जल सहयोग 21वीं सदी की चुनौतियों से मुकाबला, ये जो है ये इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में छठे भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया, थीम है जल सहयोग 21वीं सदी की चुनौतियों से मुकाबला, और कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये थी जानकारी प्रश्न 5 के बारे में। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमारा 73rd स्वतंत्रता दिवस था उस पर जल जीवन मिशन के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया था, ये मैंने आपको अपने वीडियोस में कवर कराया है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 6th इंडिया वाटर वीक 2019 कब से कब तक, यहाँ पर देखो आपको डेट्स दी गई हैं 24 से 28 2019 विज्ञान भवन नई दिल्ली। चलते हैं आगे, 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ये किसने जीती है, ये आपके सामने प्रश्न है। आंसर इसका होगा मणिपुर, सी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में आयोजित 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मणिपुर ने रेलवे को हराया और केवल एक गोल से ही हरा दिया, 1-0 जो है ये वहां पर स्कोर रहा। ये जो महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 हुई ये 10 से 24 सितंबर तक आयोजित की गई थी, ये थी जानकारी इसके बारे में। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी, सुब्रोतो कप ट्रॉफी का नाम क्या है, ट्रॉफी का नाम है सुब्रोतो कप।
आप मुझे बताइए कि ये किस खेल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए वो जो महिला टीम जो जीती है ये उसकी तस्वीर है, और मणिपुर भी देख लो कहाँ है मैप में, ये जो राज्य है ये मणिपुर है। ओके, यहाँ पर ऊपर नागालैंड है, नीचे मिजोरम है, कैपिटल यहाँ इम्फाल है, पी बी आचार्य यहाँ गवर्नर है, एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर में 7 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीटें। केम्बुल लामजाव नेशनल पार्क और शिरुई नेशनल पार्क जो है यहीं पर लोकेटेड है। फारसी युग में भारत सन 1000 से 1765, ये पुस्तक किसने लिखी है, ये हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 के लिए हमारा आंसर है रिचर्ड एम ईटन, ये हमारा आंसर है। तो आंसर जो है यहाँ पर बी होगा, बी राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोफेसर और लेखक है रिचर्ड एम ईटन, इनके द्वारा फारसी युग में भारत 1000 से लेकर 1765 नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक मुख्य रूप से फारसी संस्कृति के उदय, उसकी सभ्यताओं, उसकी वास्तुकला और भारतीय उपमहाद्वीप की 11वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की कला पर आधारित है, और ये जो पुस्तक है इसको प्रकाशित कर रहा है पेंगुइन इंडिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में एक और पुस्तक के बारे में आपको मैंने बताया था, रिसर्जेंट इंडिया, राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन, आप मुझे बताएं उसके लेखक कौन है। और अब मैं आपको ये जो पुस्तक है फारसी युग में भारत, इसका कवर दिखाती हूँ। ये देखिए रिचर्ड एम ईटन, इन्होंने तो पुस्तक लिखी है, और इंडिया इन द पर्शियनेट एज 1000 to 1765, ये पुस्तक का नाम है। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें सम्मानित करने के लिए कितने डॉलर की स्टैंप जारी करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कितने डॉलर की होगी ये स्टैंप, ये आपको बताना है, स्टैंप की वैल्यू बतानी है। 2.75, आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर जो है यहाँ पर सी है। 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र जो है डाक प्रशासन वहां पर गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर उन्हें सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट जारी करेगा। ये जो डाक टिकट है 2.75 डॉलर्स का, ये स्टैंप न्यूयॉर्क शहर में यूएन मुख्यालय में यूएन डाकघर के लिए होगा, और संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में गांधी जी की 140वीं जयंती पर भी एक डाक टिकट जारी किया था, और उसकी जो वैल्यू थी वो 1 डॉलर थी। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, आपको डाक टिकट दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और देखो इसकी वैल्यू कितनी है, जैसा मैंने बताया 2.75 डॉलर, 2.75। अगला प्रश्न है एडम हार्पर को 2019 के लिए शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, आप मुझे बताएं कि ये कौन से कंट्री से हैं? ये इंग्लैंड से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर क्या है, 9 के लिए आंसर जो है हमारा सी होगा। 2019 के शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार गणितज्ञ एडम हार्पर वॉरविक विश्वविद्यालय इंग्लैंड के सहायक प्रोफेसर को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र होगा और $10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा, और दुनिया भर के जो मैथमेटिशियंस हैं उनको प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है जो 32 वर्ष से कम उम्र के हैं, और ये जो अवार्ड है इसको साल 2005 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस प्रश्न से संबंधित तस्वीर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, किस मंत्रालय ने UMMID पहल और निदान केंद्र शुरू किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आंसर यहां पर हमारा जो है ए है, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जो है आपका UMMID ओके, इसके इस पहल की शुरुआत की है जो अनुवांशिकता से निपटने के लिए है। उन्होंने निदान है आपका नेशनल हेरिटेज डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रों का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा आंसर है, आंसर हमारा जो है यहाँ पर ए होगा। आप इससे संबंधित तस्वीर देखिए, देखो क्लियरली UMMID की फुल फॉर्म क्या है, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, और निदान की नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र, और यहाँ पर बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। ये थे हमारे सभी प्रश्न। अब मैं आपको ले आती हूँ समरी कीवर्ड्स पर। समरी कीवर्ड्स के माध्यम से हम सारे का सारा वीडियो जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अमिताभ बच्चन को। फिर यहाँ पर आगे आपको दिया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत
सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है जम्मू और कश्मीर। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है कि विश्व पर्यटन दिवस 2019 के लिए भारत जो है वो मेजबान देश होगा। पोनोई डोमिंग जो है ये प्रथम महिला है अरुणाचल प्रदेश की जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर बनी है। ओके, पोनोई डोमिंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल बनी है। आगे देखिए यहाँ पर छठे भारत जल सप्ताह की थीम क्या है। जल सप्ताह जो इसकी थीम है जल सहयोग 21वीं सदी की चुनौतियों से मुकाबला, वाटर कॉपरेशन कॉपिंग विद 21st सेंचुरी चैलेंजेस। जो 25वीं सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका विजेता कौन रहा, इसका विजेता रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य और राज्य आपका मणिपुर। 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो जीती है मणिपुर ने। उसके बाद पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक जो लिखी है रिचर्ड एम ईटन ने लिखी है और पुस्तक का नाम है फारसी युग में भारत सन 1000 से 1765। उसके बाद गांधी जी की 150वीं जयंती पर यूनाइटेड नेशंस जो है डाक टिकट जारी करेगा। डाक टिकट का मूल्य $2.75 होगा। नेक्स्ट वाले हम कीवर्ड्स पर चलते हैं। एडम हार्पर शास्त्र रामानुजन प्राइज यहाँ पर आपको दिया गया है। इसका है कि एडम हार्पर को 2019 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये इंग्लैंड से हैं और UMMID और निदान केंद्र जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो इनकी शुरुआत करेगा। ये थे हमारे सभी समरी कीवर्ड्स और अब मैं आपको ले आती हूँ क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे के यहाँ पर दोनों प्रश्न देखो, आपको बताना है कि प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, पहला प्रश्न। दूसरा है कि विश्व पर्यटन दिवस 2019 के लिए मेजबान देश किसे चुना गया है, दूसरा प्रश्न। तीसरा भी एक प्रश्न पूछ रही हूँ जो कल के वीडियो से है कि भारत पर्यटन मार्ट ITM ओके इंडियन टूरिज्म मार्ट 2019 इसके लिए कौन सा राज्य जो है वो पार्टनर स्टेट है। ओके, वो पार्टनर स्टेट है, आप मुझे उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना संभव हो सके आप वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।